नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई जो स्कीम है या फिर हम जिसको योजना बोले उसकी शुरुआत की है। फ्रेंड्स, आप सुन रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन फोर्थ की जब घोषणा की थी, उस टाइम पे उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसको दोस्तों हम मेक इन इंडिया जैसा बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों भारत को जो है अपने ही दम पर जो है अपने ही यहाँ की चीज़ों को यूज करना है, अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। तो फ्रेंड, इसी की तर्ज पर एमपी में एक अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में 22 मई से दोस्तों मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत हो रही है, जो कि दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर होगा। फ्रेंड, इसमें जो प्रवासी मजदूर जो आ गए हैं राज्य में लॉकडाउन के कारण, उनको दोस्तों काम दिया जाएगा। उनके लिए क्या किया गया है, उनको दोस्तों मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उनके लिए जॉब कार्ड भी दिए जाएंगे। और दोस्तों जो है मंदिर सरोवर, मंदिर उद्यान, मंदिर गौशाला, यानी कि दोस्तों इसमें और जो गौशाला है वो दोस्तों मंदिर के द्वारा ही जो है संचालित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में एक नई योजना की जो है शुरुआत हो रही है, या फिर नया प्रोग्राम जिसको हम बोलेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान। और तो ये फ्रेंड्स जो खास करके जो मजदूर वर्ग है उसके लिए रोजगार की जो है योजना है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसको यहाँ तक बोला है कि 22 मई से मध्य प्रदेश में कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस योजना पे, आप अपना कमेंट हमें बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।